नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो और चैनल के ऊपर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रोमन नंबर्स लिखना सीखेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझाया जाएगा। भाई, जिनको रोमन नंबर का ज्ञान नहीं है या लिखना नहीं आता है, उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल है। तो इसे सीखने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक उसे जरूर देखना, और कॉमेंट सेक्शन के अंदर जाकर आप एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर करना। तो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर रोमन नंबर नहीं लिखना नहीं आता तो बच्चे वहां कंफ्यूज जाते हैं। अगर किसी बच्चे को अगर हम कहते हैं रोमन नंबर्स में लिखो तो वहां पजल हो जाते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया जाएगा। जिन सिर्फ वीडियो को शुरू से लेके एक बार अंत तक उसे जरूर देख लेना, 100% गारंटी है भाई उसको रोमन नंबर लिखना जरूर आ जाएगा। तो अगर नहीं आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें एक से लेके दस लग तो आना बहुत ही जरूरी है। जैसे हम काउंटिंग करते हैं, हम एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और दस लग लिखते हैं। तो रोमन नंबर में अगर हम लिखते हैं तो एक से लेके दस लग, सिर्फ आपको एक से लेके दस लग आना बहुत ही जरूरी है। तो ये इसमें क्या है, एक, ये दो, ये इसमें तीन, ये चार। लेकिन देखो, चार ये नहीं है, लेकिन अगर हम किसी भी रोमन नंबर के अंदर अगर राइट में लिखते हैं तो यहां प्लस हो जाता है, मतलब अंक बढ़ जाता है। अगर लेफ्ट में लिखते हैं तो घट जाता है। मान ले जैसे हमारे पास ये बी है, बी के आगे अगर हम ऐसे लगा देते तो ये कितना हो जाएगा, छह हो जाएगा। अगर ये अकेला पांच होता है, अगर इस तरफ डाल देंगे हम तो ये इसमें एक कम हो जाएगा, एक इसमें कम हो जाएगा। तो सिर्फ यही बात आपको समझनी है भाई, अगर हम राइट में किसी भी नंबर के लिखते हैं तो वहां प्लस हो जाती है, अगर हम लेफ्ट में लिखते हैं तो वहां वो नंबर माइनस हो जाता है। तो जैसे हमारे पास में पांच था, तो पांच में से हमने एक घटाया तो हमारे पास कितने बचेंगे, चार बचेंगे। अगर इसके हम राइट में लिख देते तो यहाँ कितना हो जाता, छह हो जाता। तो यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो यहां इसमें हम लिख देंगे, ये हो जाएगा चार, ये इसमें पांच। देखो इसमें, यहां देखो हमने इस राइट की तरफ लिखा है तो यहाँ इसमें कितना हो जाएगा, छह हो जाएगा। ये इसमें सात हो जाएगा, ये इसमें आठ हो जाएगा। और देखो ये दस होता है, दस के अगर हम लेफ्ट में लिखते हैं तो माइनस हो जाएगा, नौ हो जाएगा, और अगर राइट में लिखते हैं तो ग्यारह हो जाएगा। तो यहां हम कितना लिखेंगे, इसमें एक लगा देंगे, ये हमारा इसमें कितना हो जाएगा, दस हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ही अच्छी है, मतलब सिर्फ आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है, एक से लेके दस लग डिफिकल्टी होती है। तो आगे आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक उसे आप जरूर देखना। अब देखो, यहां तक तो आपको लिखना आता होगा, उसके बाद बच्चे कंफ्यूज आते हैं। अगर 20 लिखते हैं हम, अगर हम 20 लिखते हैं, जैसे 11 लिखते हैं तो 11 का कितना लिखेंगे हम, ये लगा देंगे हम इसके अंदर, मतलब हम राइट में लिख देंगे तो 11 हो जाएगा। अगर हम 20 का लिखते हैं तो जैसे ये क्रम चलता रहेगा, आगे जोड़ देंगे हम इसमें, तो इसमें राइट में एक्स के राइट में रख देंगे हम तो संख्या बनती रहेगी। अगर हम 20 का रखते हैं तो 20 का कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 20 का इसमें 2x आ जाएगा। अगर हम अगर हम 21 का लिखते हैं तो 21 का इसके आगे ये लगा देंगे तो 30 का नंबर कितना हो जाएगा, 30 का इसमें कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसमें, 3x हो जाएगा। 31 का इसके पीछे हम राइट में कितना 1 डाल देंगे तो इसमें कितना, अब जैसे डिफिकल्टी होती है 40 की, तो सी का मतलब कितना होता है, एल का मतलब कितना होता है, एल का मतलब होता है इसमें 50। कितना होता है, 50, कितना होता है, 50। अगर हमें 40 लिखना है तो इसके मतलब इसमें से हम 10 घटा देंगे, इसमें से हम 10 घटा देंगे तो ये हमारा इसमें कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर हमें 50 लिखना है, अगर हमें 50 लिखना है तो ये L हो जाएगा, 50 का कितना होता है, L। अगर हमें 70 लिखना है तो 70 के इसके पीछे 2x लगा देंगे हम, 2x लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब समझते हैं, हम जैसे 100 का लिखते हैं, 100 का कितना होता है, C होता है। अगर हमें 90 लिखना है, कितना लिखना है, 90, तो इसमें से हम कितना एक्स घटा देंगे, कितना घटा देंगे हम इसमें। अगर राइट में लेफ्ट में लिखते हैं तो हम माइनस नंबर माइनस हो जाता है, राइट में लिखते हैं तो प्लस हो जाता है। अब जैसे हमें 200 लिखना है, इसके अंदर कितना लिखना है, 200 का इसमें कितना आएगा, अगर हमें 200 लिखना है तो 200 का इसमें 2c हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। अब लिखते हैं हम जैसे 500 का लिखते हैं हम, इसमें कितना लिखेंगे, 500 का होता है इसके अंदर d, कितना होता है, d होता है।
अगर हमें 550 लिखना है, कितना लिखना है 550, तो अगर हम 550 लिखेंगे तो 550 का हम क्या लिखेंगे, D लिखेंगे, और 50 का कितना होता है L होता है, तो DL इसके अंदर ये हो जाएगा 550 का हो जाएगा। अगर हमें 750 लिखना है, 750 का हम क्या लिखेंगे, 750 का हम लिखेंगे 500 का, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, D लिखेंगे इसके अंदर। अब कितना लिखना है हमें, 250 और लिखने, तो 250 लिखने सी लिखेंगे, सी लिखेंगे और इसके अंदर हम ये एल और 50 इसके अंदर कर देंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिन बच्चों को या जो भी भाई बंधु बहन है उनको अगर रोमन नंबर के अंदर लिखना नहीं आता तो वीडियो बहुत ही लाभदायक है। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक उसे जरूर एक बार आप जरूर देखना भाई, 100% गारंटी है आप किसी भी नंबर का आसानी से लिख सकते हैं। अगर हमें 1000 का लिखना है, 1000 कितना लिखना है, 1000 का क्या लिखते हैं हम इसके अंदर, एम लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, एम लिखते हैं। अगर हमें 950 लिखना है, कितना लिखना है 950, तो 950 एम में से कितना घटा देंगे हम, एम में से एल को घटा देंगे, क्योंकि हमें राइट के अंदर लिखना है तो प्लस हो जाती है संख्या, लेफ्ट के अंदर लिखना है तो माइनस हो जाती है। तो हमने जो एल है वो कहां लिखा, हमें इसमें लेफ्ट के लेफ्ट में लिखा है, तो इसमें से मतलब 1000 में से 50 कम हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 950 हो जाएगा। अब हम आगे लिखते हैं, अगर हमें 850 लिखना है, कितना लिखना है 850, तो 850 में से हम क्या करेंगे, एम लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे हम, एम का कितना होता है 1000, 1000 में से हमें कितना घटाना है, सी का कितना होता है 100 होता है और 50 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 ये हो जाएगा। तो कितना घटेगा इसमें से, 150 कम हो जाएंगे तो 850 को हम ऐसे लिखेंगे। अगर हमें पूरा 910 लिखना है, कितना लिखना है हमें 910, अगर हमें कितना लिखना है 910 लिखना है, तो एम पहले हम लिखेंगे इसके अंदर, एम लिखेंगे, एम में से हम कितना घटाएंगे 100 घटाएंगे इसमें, या इसमें से हम 100 घटा देते हैं, या इसमें हम 90 भी रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं मतलब 90, मतलब इसके अंदर हमें अगर 10 प्लस करना है तो 10 प्लस करना, तो इसको हम इस तरफ प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास इसमें कितना हो जाएगा 910 संख्या हो जाएगी। अगर हमें 350 लिखना है, कितना है 350, तो 350 का हम 3 तो एक्स लिखेंगे इसके अंदर, 1, 2 और 3, तो कितने हो जाएंगे 300 हो गया। अब 50 का हमें कितना लिखना है, एल लिखना है, कितना लिखना है L, तो ये हो जाएगा हमारे राइट के अंदर डालेंगे हमें से, तो राइट में डालेंगे तो संख्या इसमें क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, अगर लेफ्ट में लिखते हैं तो हमारे पास इसमें संख्या माइनस हो जाती है। अगर हमें 290 लिखना है, कितना लिखना है इसमें 290, कितना लिखना है 290, तो 300 में से हम कितना घटाएंगे, 300 में से हम ये जैसे हमारे पास इसमें 300 है, इसमें हम कितना घटाएंगे, इसमें से हम ये 300 है, हमें 290 लिखना है, कितना लिखना है 290, तो इसको हम ऐसे नहीं घटा सकते क्योंकि यहाँ इसके अंदर गलती हो जाती है। अगर हम 300 में से 10 घटाएंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा इसके अंदर से, अब 100 का कितना होता है सी होता है, तो कितना लिखेंगे हम इसके अंदर 3c लिखेंगे, कितना हो जाएगा 300, और इसके अंदर से हम इसको एक्स में से इसको एक्स ये हम घटा देते तो सॉरी भैया मेरे से गलती हो गई है, तो यहाँ इसमें क्या लिखेंगे हम सी लिखेंगे, तो सी का कितना होता है इसमें 100 होता है, तो यहाँ सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ मेरे से इसमें गलती हो गई है। तो इसको इस प्रकार से हम, अगर कोई भी रोमन नंबर आता है तो माफी चाहता हूँ मेरे से गलती हो चुकी है। तो अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तो ऐसी गलती कभी ना, तो क्योंकि मैंने गलती को पकड़ लिया भाई, मैंने गलती से मैंने से यहाँ लिख दिया गया था। अगर तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आपको जो सभी जो डाउट थे वे क्लियर हो चुके हैं, बिल्कुल आपको बेसिक से आपको समझाया गया भाई रोमन नंबर हम कैसे लिखते हैं, लेकिन सिर्फ आपको क्या करना है, 1 से लेकर 10 लग रोमन नंबर आना बहुत ही सबसे पहले बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो सभी के लिए यूजफुल है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और प्यारा सा कमेंट करना ताकि हमें कुछ मोटिवेशन मिल सके। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, अगली वीडियो के अंदर आपसे मिलते हैं, धन्यवाद।